नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्मा। हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र और पहले ही सत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिला, जबरदस्त टकराव और भिड़ंत देखने को मिली, बहस जमकर हुई और बहस की शुरुआत बीजेपी सरकार के मंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट के प्रमुख हिस्सा अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हुई। जब अनिल विज ने हुड्डा राज का जिक्र कर दिया, तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने आप को नहीं रोक पाए और दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस होने लगी, जमकर टक्कर हो गई और उसके बाद अनिल विज हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए। आखिर क्या पूरा मामला है, यह वीडियो देखिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर कुछ गलत परंपराएं भी होती रही हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे 2009 से 2014 तक जब मैं विधायक था और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो तो अब आया नहीं, उसकी क्या बात करें, जो हाउस में ना हो उसका नाम नहीं ले सकते। मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा सारा भाषण जो मैं देता था वो डिलीट कर दिया करता था। मतलब कि आप रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा का, परंतु उस पीरियड को जो 2009 से 2014 का पीरियड था उसको आप ब्लैकआउट कर देना, उसको मत देखना, क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया तो फिर डर लगता है कि कोई ना कोई उसमें से बात आपके दिमाग में आ जाए। हुड्डा साहब ने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस अवसर पर बहुत सारी अपनी पार्टी की बातें कह दी, और यह भी कहा है कि कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था परंतु मैं कहूंगा नहीं। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर काटा लगा दिया। काटा लगा दिया और प्रजातंत्र में आप पर कितनी बार काटा लगा, मैंने कहा तो जवाब दे रहा हूं। बस देखो, स्पीकर के इलेक्शन सात बार के विधायक, मैं भी सात बार का हूँ, हम दोनों सत्ते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादी बनाना चाहते हैं तो हम वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका, आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, विषय सीमित रहे, कोई विषय पे चिंता पत्र पढ़ रहा है, कोई पीछे की बात कर रहा है। हुड्डा साहब, वर्णन आपने किया, अगर अध्यक्ष महोदय हो जाएंगे तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ, वो पुराने स्पीकर बता देंगे। हुड्डा साहब, व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया, ये आप छोड़ दो इस बात को, मैं विवादित नहीं करना चाहता हूँ, ये बात नहीं है। नहीं, विषय पर सीमित रहे। जस्ट लिसन टू मी, निवेदन, मैं आई एम नॉट इनिशिएटिंग, आई एम आंसरिंग। आपने समय दिया, आई एम आंसरिंग व्हिच यू हैव मेंशन, पूछ के मैं खड़ा हुआ हूँ। आई एम मेंशनिंग व्हिच यू हैव मेंशन इन योर स्पीच, मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में, अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हुई बहस को, तीखी नोक झोंक को। हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र और पहले स्तर में इस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी होना, टकराव होना, भिड़त होना, ये दर्शाता है कि इस बार कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष बक्सने के मूड में नहीं है, किसी भी तरीके से हल्का रहने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। पहले ही सत्र में अनिल विज जो कि मंत्री है हरियाणा सरकार के, और सामने विपक्ष के नेता रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सबसे अनुभवी और बड़े दिग्गज नेता हैं, दोनों के बीच जमकर टकराव हुआ। जहां अनिल विज ने हुड्डा राज में ये राग छेड़ दिया, ये बात छेड़ दी कि सबसे ज्यादा बार उनको विधानसभा से बाहर करने का, बेदखल करने का रिकॉर्ड है। हुड्डा सरकार अनिल विज से डरती थी, इसीलिए उनके भाषणों तक को कट कर दिया जाता था विधानसभा की कार्रवाई से। ऐसे में हुड्डा भी सुनते सुनते चुप नहीं रह पाए और उन्होंने भी उठते हुए
पलट जवाब दे दिया, उल्टा जवाब जो है अनिल विज को दे दिया, जिसके बीच बाद अनिल विज ने भी हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि मैं तो जिक्र भी नहीं कर रहा था, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जिक्र छेड़ा है। हालांकि पहले ही दिन जिस सत्र के अंदर सिर्फ शपथ ग्रहण होनी थी, तमाम विधायक शपथ लेने वाले थे, उसमें शपथ ग्रहण के बाद जबरदस्त बहसबाजी भी देखने को मिल रही है, तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती, क्या लगता है कि नई सरकार के सामने इस बार विपक्ष भी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों की पैरवी कर पाएगा, क्या विपक्ष इस बार अपनी जिम्मेवारी, अपना जो है पक्ष, अपना धड़ा मजबूती से उठा पाएगा, अपने धड़े को मजबूत करके सरकार के सामने डटकर खड़ा रह पाएगा, या फिर पूर्व की तरह ही वही ढाक के तीन पात रहने वाले हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।